जिले के सबसे बड़े अस्पताल एवं सरकारी स्कूलों के आसपास पर गुटखा बीड़ी सिगरेट समेत नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। डिप्टी सीएमएच और डॉक्टर पीसी दीपर ने नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोटपा अधिनियम के तहत गुटखा बीड़ी सिगरेट को बरामद कर चालान भी काटे। इस कार्रवाई के दौरान गुटखा विक्रेताओं में हड़कंप मचा नजर आया। बाड़मेर शहर के सरकारी स्कूलों और जिला अस्पताल के आसपास पर दुकानों एवं ठेलों पर गुटखा बीड़ी सिगरेट बेच रहे विक्रेताओं के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चालान काटने की कार्यवाही को अंजाम दिया। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर पीसी दीपन के नेतृत्व में मालगोदाम रोड स्थित बालिका स्कूल एवं अन्य स्कूलों के पास स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्यवाही को अंजाम देते हुए आसपास की दुकानों एवं ठेलों पर गुटखा विक्रय कर रहे दुकानदारों के खिलाफ कोटपा अधिनियम के तहत चालान काटने की कार्यवाही को अंजाम दिया है। इसी तरह विभाग की टीम ने जिला अस्पताल के आसपास की दुकानों का अवलोकन करते हुए गुटखा बीड़ी सिगरेट की बिक्री करने वाले दुकानदारों के चालान काटकर उन्हें इनका विक्रय न करने की हिदायत दी है एवं दोबारा नशीले पदार्थों का विक्रय करते पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर पीसी दीपन ने बताया कि स्कूलों एवं जिला अस्पताल के आसपास नशीले पदार्थ के बेचान की शिकायत पर विभाग की टीम ने गुटखा बीड़ी सिगरेट के विक्रयकर्ताओं के चालान काटकर जुर्माना राशि वसूल की है, साथ ही नशीले पदार्थों को बेचान नहीं करने की भी हिदायत दी गई। सेट के तहत हमने जनरली जो स्कूल की सौदे के बारे में कोई भी अगर जनरली स्टोर किराना स्टोर अगर जो बीड़ी सिगरेट गुटखा अगर कोई खैनी बेचता है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में इसके तहत हम कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हमने महीने की वैसे 8 तारीख को हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन अगर कहीं से शिकायत मिलती है या स्कूल के कहीं 100 गज के दायरे में अगर कोई ऐसी दुकान है जो अगर खुले रूप में बेच रहा है तो उसके खिलाफ हम चालान एक्टिविटी करते हैं, उसे समझाइश करते हैं कि भविष्य में वो इस तरह से ऐसे नहीं करें। गौरतलब है कि शिक्षण संस्थानों और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के आसपास गुटखा बीड़ी सिगरेट बेचना प्रतिबंधित है। बावजूद इसके शहर के कई हिस्सों में सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के साथ चिकित्सा संस्थाओं के आसपास भी इसकी बिक्री धड़ल्ले से होती नजर आ रही है। ऐसी ही शिकायतों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विक्रयकर्ताओं के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई को अंजाम दिया।